एनिमे वीडियो बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से एनिमे वीडियो बना के अच्छी खासी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली आपको किसी भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिंपली एक वेबसाइट की मदद से आप बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड इस तरीके की कार्टून वीडियोज़ बना सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो इस तरीके की आपने वीडियो बहुत सारी देखी होगी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ विदाउट किसी चीज़ के। आप यहाँ पर सिंपली जाना है, अडोब एनिमेट ऑनलाइन सर्च कर देना है, तो सिंपली आपके सामने एक अडोब की वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फ्री टू यूज़ नो क्रेडिट, यानी कि किसी भी पैसे या फिर किसी भी पेड, यानी कि आपको ये पेड नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आप अच्छी खासी वीडियोज को क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्रिएट नाउ पे चले जाना है। इसमें कोई भी साइनअप का ऑप्शन नहीं मिलता कि आप जीमेल से साइनअप करें, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर, तो आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर अच्छे खासे कार्टून ले सकते हैं। यहाँ पर 99% जो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, तो इन सब कैरेक्टर को आप लोगों को कैसे लेना और किस तरीके से आप लोगों को ये एनिमी वीडियो बनानी है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक करेक्टर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक करेक्टर ले लिया, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको छोटे करने का ऑप्शन। आप चाहे तो ये इस तरीके से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की एनिमी वीडियो बनानी है, तो सिंपली यहाँ पर और भी कैरेक्टर मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कैटेगरी भी मिल जाती है, आप चाहे तो कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जाइएगा तो बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए आप एक अनलिमिटेड वीडियो बनाना चाहते हैं एडिट करके, तो यहाँ पर आप विदाउट ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करेगा, जिसमें आप बहुत सारी इस तरीके की वीडियो बना के एडिट कर पाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर एक नॉर्मल से वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेंगे, कोई भी आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छे खासे बैकग्राउंड भी दे रखा है, या फिर आप कस्टम कलर में जाके कोई भी कलर वगैरह जैसे कि ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैक ले लिया, या आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। साइज़ वगैरह देख सकते हैं कि आप लोगों किस साइज़ में बनाना है, यूट्यूब के साइज़ में बनाना है, इंस्टाग्राम के साइज में बनाना है, लैंडस्केप या फिर पायरेट, जो भी जैसे भी बनाना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर चले जाना है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का करेक्टर रख देना है। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मिलता है, जैसे आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, तो रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या है कि ऑल दिस टाइम अलाउ टू एवरे, यानी कि आपको खुद बोलना पड़ेगा अपने हिसाब से। जैसे जैसे आप यहाँ पर अलाउ दिस टाइम बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका जो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर करेक्टर को प्ले करना है। जैसे जैसे आप यहाँ पर बोलोगे तो उसी हिसाब से ये करेक्टर बोलने वाला है, मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनने वाली है, यानी कि जिस भी वीडियो को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बुलवा सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 18 सेकंड की वीडियो को मैं डन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया। डन करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक कुछ अपलोडिंग होगी, यानी कि कुछ देर का टाइम लेगा जो कि उसको कैरेक्टर को मूवमेंट करेगा पूरा की तरह। तो यहाँ पर जो वीडियोस वो है हमारा तैयार हो चुका है, लगभग यहाँ पर अपलोडिंग मीडिया आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्टर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके का वीडियोस हमारा तैयार हो चुका है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनने वाली है, यानी कि जिस भी वीडियो को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बुलवा सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन, आप अच्छी खासी वीडियोज को बना सकते हैं और सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है वो आपकी वीडियो को मैं यहाँ पर गैलरी में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी खासी वीडियोस को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर फिर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको ना पहले यहाँ पर नहीं बताया था कि रिकॉर्ड वाला ऑप्शन बता दिया था, लेकिन यहाँ पर ब्राउज वाला ऑप्शन है। ब्राउज वाला ऑप्शन क्या करेगा, आपकी वीडियो में अगर कोई वॉइस, यानी कि आपके इसके अंदर आपके सिस्टम के अंदर कोई वॉइस है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वॉइस है तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने से होगा क्या, जो भी करेक्टर है वो आपका ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा और वो वॉइस में क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप अच्छी खासी वीडियोज़ बना पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।